महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे शनिवार को बीड जिले के परली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मंच पर बेहोश हो गई। बीजेपी की प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति बेहतर है। मुंडे 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में परली विधानसभा क्षेत्र से अपने चचेरे भाई और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को चुनौती दे रही हैं। प्रचार अभियान के अंतिम दिन शहर में अपनी पांचवीं रैली को संबोधित करते समय वह बेहोश होकर गिर गई। 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में बेहद सक्रियता से भूमिका निभाने वाली महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे पर तब गिरी जब परली में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। बेहोश होने के तत्काल बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी तबीयत बेहतर है। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे परिवारों में सबसे हाई प्रोफाइल मुंडे परिवार है। इस परिवार के दो सदस्य बीड में एक दूसरे के आमने सामने हैं। यह क्षेत्र दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का गढ़ है। उनकी बेटी और पंकजा मुंडे परली सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। पंकजा के सामने उनके चचेरे भाई विधान परिषद में विपक्ष के नेता MLC धनंजय मुंडे हैं। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में के उम्मीदवार हैं। 2014 के चुनाव में पंकजा धनंजय को हरा चुकी हैं।